35 जिलों में कोल्ड वेव कोहरे का अलर्ट, पश्चिमी विक्षोभ का दिखेगा प्रभाव, बारिश के संकेत जाने आईएमडी पूर्वानुमान। 12 जनवरी तक 19 जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, महाराजगंज, संत कबीरनगर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया आदि शामिल है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से अगले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। यूपी मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी और पश्चिमी जिलों में अत्यधिक घना कोहरा और शीतलहर का असर दिखाई देगा। 10 और 11 जनवरी को प्रदेश के अधिकतर जिलों में शीतलहर और कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की गई है। 12 जनवरी तक प्रदेश के कई हिस्सों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 15 और 16 जनवरी को पारा 1.C सेंटीग्रेड पहुंच सकता है और जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत में कहीं बादल तो कहीं हल्की बूंदाबांदी की संभावनाएं बन सकती हैं। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने यूपी समेत कई राज्यों में अगले 2 दिन में हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश होने के आसार हैं। इसका असर पश्चिमी यूपी में भी देखने को मिल सकता है। पश्चिमी यूपी में बुधवार और गुरुवार को कई जिलों में बादलों की आवाजाही के साथ साथ बूंदाबांदी हो सकती है। पूर्वांचल के इलाकों तक गुरुवार और शुक्रवार को बादल छाने की उम्मीद है। इसके बाद अगले हफ्ते में एक बार फिर तापमान में गिरावट आएगी। यूपी मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश में कई हिस्सों में भीषण कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। आने वाले 3-4 दिन ठंड से कोई खास राहत मिलने की संभावना नहीं है। 12 जनवरी तक 19 जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में कई जिले शामिल हैं। यूपी में 35 जिलों में अगले 48 घंटों तक शीतलहर की चेतावनी जारी है। देवरिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आजमगढ़, मऊ, बलिया, हरदोई, फर्रुखाबाद, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, कासगंज, शाहजहांपुर, संभल और आसपास के इलाकों में चेतावनी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरदोई।